नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। भाजपा ने शनिवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालयों के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान शराब बिक्री नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भाजपा ने मामले में ईडी के पूरक आरोप पत्र पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि इससे साबित होता है कि वे भ्रष्टाचार में शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हो गई। भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान तख्तियां लेकर आप कार्यालय के बाहर पहुंचे थे और नारेबाजी कर रहे थे, पर सवाल ये है कि बीजेपी आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है और अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगा रही है। तो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने सप्लीमेंट चार्जशीट पेश कर दी है। रोज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में एजेंसी ने एक वीडियो कॉल की बात की। ये कॉल इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई। इसमें केजरीवाल ने महेंद्रू को कहा कि विजय नायर उसका आदमी है और ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने कारोबारी को कहा था कि वे आपकी कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के साथ मिलकर काम करें। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के दावों को मनगढ़ंत बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का दावा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे जिसमें आपने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें एमजी मीडिया न्यूज।